जेना स्मरण थी मन तना वांछित जगरा दूरे डरे, जेना तरा आदि अने व्याधि उपाधि ना टके, एवा श्री पासु प्रभु ने भावे करू हूँ वंदना। मारा श्री पासु प्रभु ने भावे करू हूँ वंदना। भागसारी पासुनाथ दादा की महिमा तो अनंत है, अनंत उपकारी है। पासुनाथ दादा के तीर्थ भी अनक है, अनंत है। भागसारी जैसा संखेश्वर तीर्थ है वैसा ही पासुनाथ दादा का एक तीर्थ है पाटन के अंदर, पंचासरा पासुनाथ दादा। इतनी अलौकिक प्रतिमा है ना कि आज इच्छा होगी कि चलो दादा के दर्शन करने जाए। मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा, साथ में आप सबको लेके जाऊँगा, तो आप और हम सब मिलके दादा के दर्शन करने जाना। और उसका इतिहास कह देता हूँ कि 2700 साल पुराना वो तीर्थ है पंचासरा पासुनाथ दादा, जो पाटन के अंदर आया हुआ है। और बाप इतनी अद्भुत प्रतिमा, इतनी अद्भुत प्रतिमा है ना कि दो घड़ी अपन देखते रह जाएगा और हृदय से कहा जाएगी, नाम है तेरा तारा नारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा भागसारी। और ये तीर्थ के दर्शन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इतना अद्भुत है पंचासरा पासुनाथ दादा पाटन तीर्थ के अंदर आया है। तो चलो दादा के दर्शन करने जाए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो आप दर्शन करो, दादा की प्रतिमा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैन परिवार में शेयर करना। और जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी मैंने ज़्यादा बोला हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। चलो पंचासरा पासुनाथ दादा के दर्शन करने। ये बाहर से देख सकते आप मंदिर कितना अद्भुत दिख रहा है, ये धूप बहुत है इसके लिए। ये देख सकते हैं कितना अद्भुत है पंचासरा पासुनाथ दादा का जिनालय। गगने लहराती प्रभु पासोनी पताका, क्या बात है, वाह भाई वाह। ध्वजा ध्वजा दादानी ध्वजा ध्वजा, जोवानी आवे मजा मजा। ये बाहर का नज़ारा है और अंदर का नज़ारा भी हम आपको दिखाई गए। ये मूल नायक पंचासरा पासुनाथ दादा का जिनालय, ये आप देख सकते हैं कितना भव्य जिनालय है। शिखर बंदी चंद्र प्रभु स्वामी आप दर्शन कर सकते हैं, कितनी अलौकिक प्रतिमा है दादा की। हमारे मेरा दिल ये तुम्हें पुकारे, कृपा कर दो हम पर स्वामी मिट जाए। और ये देख रहे हैं मूल नायक पंचासरा पासुनाथ दादा, जो है तीर्थंकर आप दर्शन कर सकते हैं पंचासरा पासुनाथ दादा मूल नायक दादा। 1700 साल पुरानी प्रतिमा है ये, संकेश्वर से 60 किलोमीटर दूर पाटन में आया हुआ है। सब वंदन करें और कहते हैं आंख मारी उगड़े त्या पासुनाथ देखो मंदिर या मैं पारसनाथ है। हाँ पारसनाथ है, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, पारसनाथ है, हाँ पारसनाथ है, पारसनाथ है। ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल संगीतकार चिराग भोजक के नाम से है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। इतना अलौकिक मंदिर आप देख सकते हैं। देखो दोपहर के टाइम में सभी दादा के दर्शन करने आए हैं। और प्राचीन मंदिर है ये अपना, अलौकिक मंदिर है आप देख सकते हैं। अद्भुत ये पंचासरा पासुनाथ दादा। ये पद्मावती माता है पंचासरा पासुनाथ दादा, जहाँ आपने दर्शन किए। कितनी अलौकिक माता जी की प्रतिमा है, कितनी मुस्कुराहट माता जी की प्रतिमा में आप देख सकते हैं। हृदय में से एक आवाज आती है, एक बार आओ ने माता जी मोरे बामणा, एक बार आओ ने माता जी मारे बामणा, थारा बालुड़ा थारा बालुड़ा जुए है थारी वार, पधारो मारी माता जी। भागसारी ये जिनालय है प्रभास पाटन के अंदर आया हुआ पंचासरा पासुनाथ दादा, जिसके मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। ये जिनालय आप देख सकते हैं,
आप देख सकते हैं मुझे तेरा है, छोटी छोटी प्रतिमा है, इतनी अद्भुत प्रतिमा है कि दो घड़िया देखते ही रह जाएंगे। सहारा मुझे तेरा है, मेरी हर उलझन को तूने पल में ही सुलझाया, अंधियारों में रास्ता रोशन करने तू ही आया, भरोसा मुझे तेरा है, सहारा मुझे तेरा है, भरोसा मुझे तेरा है, सहारा मुझे तेरा है। इसके लिए मंदिर बंद रहता है। ये देखो प्राचीन तीर्थ है, ये सीढ़ी है दादा की ध्वजा चढ़ाने के लिए। ये आप देख सकते हैं इधर से यूं के इधर उतर जाती है, और ये ऊपर देखो शिखर बंदी ऊपर भी। ये देखो पास ये देखे, बीच में से आपको दर्शन करा रहा हूँ, कितना अद्भुत चिन्हालय है। जो है तीर्थंकर जयकारी, जिनको नमती दुनिया सारी, पारसनाथ है, अजितनाथ दादा है, पार्श्व प्रभु जिन राज हमारे, मेरा दिल ये तुम्हें पुकारे, कृपा कर दो हम पर स्वामी, मिट जाए सब कष्ट हमारे, अभिनंदन सब कष्ट हमारे स्वामी। ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये पूरी ऐसी लाइन है, और ये तीर्थ है पंचासरा पार्श्वनाथ दादा, जो मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ। ये कोतरनी देखोगे प्रभास पाटन, वो बोलते हैं ना कुमारपाल राजा, जो यहाँ पे हो गए हैं। अद्भुत जिनालय आप देख सकते हैं, कितना अद्भुत है। और ये सिकलबंद जिनालय, कभी भी आप आओ पाटन, उदयपुर या राजस्थान से आओ तो पाटन होके आना। ये पार्श्वनाथ दादा का अलौकिक जिनालय है। नाथ है, पारसनाथ है, नाथ है, पारसनाथ है, नाथ है, पारसनाथ है। ये आप देख सकते हैं, पूरा मंदिर ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरे अद्भुत प्रतिमा की है, पारसनाथ है, क्या नजारा है, एकदम नजारा है, देखो कितना सुंदर नजारा है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मंदिर है। जय जिनेन्द्र, आप सबने पंचासरा पार्श्वनाथ दादा के दर्शन किए। इतनी अद्भुत प्रतिमा थी दादा की कि हृदय में से आवाज आ गई कि मूर्ति जो जो अने गमी जाए, इतनी अद्भुत दादा की प्रतिमा थी। और आप सबने दर्शन भी किए। कभी भी संकेश्वर आओ तो संकेश्वर से 60 किलोमीटर दूर है पंचासरा पार्श्वनाथ दादा। सिद्धराज जय सिंह ने मंदिर बनवाया था, और कहा जाता है कि कुमारपाल महाराजा के समय का ये मंदिर है। इतना अद्भुत ये मंदिर है पंचासरा पार्श्वनाथ दादा। क्यों कि मैं दोपहर के टाइम इसकी शूटिंग लेने को गया था, इसके लिए दोपहर के टाइम मंदिर का दरवाज़ा खुला भी नहीं होता है, तो मैंने जारी में से ही आपको सब दर्शन करवाए। इतने अलौकिक प्रतिमा थे कि दर्शन करने से भी अपने पाप धुल जाते हैं, इतनी मेहनत की है। और मैं आपको एक हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैन परिवार और जैन ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि शेयर करने से दूसरों लोग को भी दर्शन मिले, दर्शन का लाभ मिलेगा, पुण्यानुबंधी पुण्य का लाभ मिलेगा। तो आप साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ये वीडियो शेयर कीजिए। और जिन आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ भी ज़्यादा बोला हो तो त्रिवेणी त्रिवेणी मिच्छामि दुक्कड़म, बोलो पंचासरा पार्श्वनाथ भगवान की जय।